अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हिरा किचन में है। और मेरे किचन में है बहुत सारी रेसिपीज़, तो जल्दी कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जाते जाते एक प्यारा कमेंट करते जाएं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों के लिए मेरी रेसिपीज़ बनेंगी सिंपल, इजी एंड टेस्टी। तो आते हैं आज की रेसिपी पर। तो गाइस, आज की मेरी रेसिपी है देगी कोरमा। देखिए किस कदर डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो बनाना करते हैं इसे स्टार्ट। देगी कोरमा के इंग्रेडिएंट्स इस तरह हैं। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले 1 kg जो है मटन को अच्छे से वॉश करके रख लिया है, और जी देख लीजिए आप। और उसी के साथ ये 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये 2 स्पून कोकोनट पाउडर, और कुछ काजू हैं और ये कुछ मैंने लिए हैं मखाने, और जी ये है 2 बड़ी प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, और ये 250 ग्राम्स दही है, ये 1.5 टीस्पून जो है गरम मसाला है, और ये जायफल जावित्री का पाउडर है, और जी ये छोटी इलायचियाँ 5 से 6 ले लीजिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लीजिएगा, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये 1 टीस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि स्पाइसी नहीं होती है, कोरमे को अच्छा कलर देने के लिए होती है। ऑयल मैं इस स्पून से 5 स्पून लूँगी, इस कुकिंग स्पून से। कोरमा में जो है थोड़ा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम थोड़ा ज़्यादा ऑयल रखेंगे, और अगर हम कम खाते हैं तो इसे निकाल कर हम बाहर रख लेंगे किसी बॉक्स में, और दाल वगैरह में डाल कर खाएँगे तो बहुत ज़्यादा दाल का टेस्ट अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं ये जो मखाने हैं इन्हें फ्राई कर लूँगी कलर चेंज होने तक। मखाने बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, आप मेरे जो है मखानों की क्वांटिटी देख सकते हैं, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं डालूँगी छोटी इलायची, जिन्हें 1-2 को मैंने बीच से खोल दिया था, और थोड़ा कलर चेंज होने तक इन्हें फ्राई करने के बाद मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया है, और हम मटन को जो है थोड़ा इलायची वाले तेल में जो है थोड़ा फ्राई कर लेंगे, ताकि इलायची का फ्लेवर जो है वो मटन में बहुत अच्छे से आ जाए। इसे हम 10 मिनट्स इसी तरह जो है अच्छे से मिक्स करेंगे, ऑयल में भूनेंगे। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, तो इस तरह भूनने से क्या होगा, मटन की स्मेल निकल जाएगी। अब मैं अदरक लहसुन के साथ इसे मैंने 5 मिनट्स और भूना है, और अब मैंने ये जो ड्राई स्पाइसेस थे वो ऐड कर दिए। इस तरह अदरक लहसुन के और छोटी इलायची के साथ भूनने से जो मटन में स्मेल होती है वो बिल्कुल निकल जाएगी। और देखिए ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैं भूनूंगी नहीं, और मैंने गैस के फ्लेम स्लो करके कवर कर दिया। और अब मैं कुछ आ गई हूँ पेस्ट बनाने, नारियल पाउडर, केशू, फ्राइड ओनियन, प्याज जो थी, और दही, और थोड़े मखाने हम डालेंगे और थोड़े मखाने हम रोक लेंगे, और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो जी देखिए अब इसे खोलते हैं, और ये जो हमने पेस्ट बनाया है ये इसमें ऐड कर देते हैं, और इस पेस्ट को बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये अब मैंने गरम मसाला जो डाला है, ये मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, और 1/2 टीस्पून मैंने रोक लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस, ये जो मखाने कुछ मैंने इसमें थोड़े से क्रश कर लिया हल्के हल्के, और इसे भी इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमारी स्लो ही रहेगी, और इसे कवर कर देते हैं, 30 मिनट्स कुक करते हैं इसे। तो गैस देखिए 30 मिनट्स हो गए हैं, अब इसे खोलते हैं। देखिए ज़बरदस्त, देखिए रेड ऑयल ऊपर आ चुका है, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो है कोरमा तैयार है। खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है, मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और रही बात मटन को, उसे भी चेक करके देख लेते हैं मटन गला है या नहीं, तो करते हैं इसे चेक। तो जी इस फोक की हेल्प से मैं देखती हूँ, देखिए कितने अच्छा ये टेंडर हो चुका है, ये देखिए एकदम अच्छे से। कभी भी मटन को हम स्लो फ्लेम पर ही पकाएं तो बहुत अच्छे से ये टेंडर हो जाता है, और देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला भून चुका है, मैंने इसे 15 मिनट्स भूना है। देखिए एकदम दानेदार मसाला हो चुका है, कोरमा बनकर रेडी है। मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना पतला आप खाना चाहें, तो कोरमा थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब हमारा कोरमा रेडी है, और गैस की फ्लेम स्लो ही है, और ये मैंने जो 1/2 टीस्पून गरम मसाला रोका था वो अब इसमें ऐड कर दिया है, और ये
क्वार्टर टीस्पून मैंने डाला है दालचीनी और जावित्री का पाउडर। और अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे इसे मिक्स करने के बाद कोरमा की जो जान होता है केवड़ा एसेंस, ये डाल दिया। और जी अब कर देंगे इसे कवर फौरन ही, ताकि स्मेल बाहर ना निकले। गैस की फ्लेम स्लो है, कोरमा बनकर रेडी है और कर लेते हैं इसे डिश आउट। तो गाइस मैं करने लगी हूँ इसे डिश आउट। और जी इसे खाएंगे हम तंदूरी रोटी के साथ, ये देखिए। और फटाफट इसे डिश आउट कर चलते हैं हम खाने। और गाइस आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिए, बताइएगा मखाने और काजू का जो टेस्ट मुँह में फ्लेवर आए वो भी बताइएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हीरा के किचन में।